फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, कि हम लोग फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो इसमें प्रोसेस आता है फाइबर से फैब्रिक बनाने में, वो पहला स्टेप क्या है, गिनिंग। क्या है? गिनिंग। तो चलिए गिनिंग को देखते हैं क्या होता है और कैसे किया जाता है। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड्स। गिनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कॉटन को उसके जो सीड होते हैं यानी उसका जो बीज होता है, कॉटन से अलग करने का जो प्रोसेस होता है, यही क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाई यूजिंग हैंड स्टील कम्स। यह है पहले जो किया जाता था, किससे किया जाता था, हाथ से किया जाता था। एक स्टील का कम्ब, एक स्टील का कंघी होता था, उससे किया जाता था, ठीक है। दीज डेज आजकल क्या होता है, ये मशीन कॉल्ड रोलर गिन, एक मशीन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रोलर गिन। यहाँ पे देखिए रोलर गिन एक मशीन बना हुआ है ना, यही मशीन है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, रोलर गिन। इसी का यूज़ किया जाता है गिनिंग के लिए, इज़ यूज फॉर गिनिंग, ये गिनिंग के लिए मशीन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स हमारा स्पिनिंग। अब गिनिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इंटू यार्न। स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो फाइबर है उसे हम लोग धागे में कन्वर्ट कर देते हैं। इट ड्रॉज आउट शॉर्ट फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन वूल एंड ट्विस्ट देम टुगेदर इनटू ए लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड यार्न, थ्रेड कॉल्ड यार्न। यह क्या करता है, स्पिनिंग ड्रा आउट शॉर्ट फाइबर, ये छोटे छोटे फाइबर को निकालता है फ्रॉम द कॉटन वूल, कॉटन का जो ऊन है उससे निकालता है, एंड ट्विस्ट देम, और उन्हें एक साथ ट्विस्ट कर देता है इनटू ए लॉन्ग कंटिन्यूअस थ्रेड। किस में कन्वर्ट कर देता है, ट्विस्ट करके मोड़ करके लॉन्ग बड़े कंटिन्यूअस थ्रेड में, एक बड़े से धागे में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यार्न कहते हैं। हैंड स्पिंडल और टकली एंड चरखा आर टू हैंड ऑपरेटेड डिवाइसेज यूज्ड फॉर स्पिनिंग। कह रहा है कि जो हैंड स्पिंडल या फिर तकली होता था, यहाँ पे देखिए बना हुआ है ये तकली, या फिर एक चरखा होता था पुराने टाइम में लोग यूज़ करते थे, ये दो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस हैं जो कि पहले यूज़ किया जाता था स्पिनिंग के लिए, ठीक है। इन द रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में पीपुल स्टिल यूज चरखा फॉर मेकिंग थ्रेड और यार्न फ्रॉम कॉटन। अभी भी लोग चरखा का यूज़ करते हैं कॉटन के धागे बनाने के लिए, है ना, कॉटन से धागे बनाने के लिए अभी भी लोग चरखे का यूज़ करते हैं। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन ऑन स्किप स्पिनिंग मशीन। और कह रहा है धागे की जो बुनाई होता है लार्ज स्केल में, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बनाने का जो काम किया जाता है, किससे किया जाता है, स्पिनिंग मशीन से किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये स्पिनिंग मशीन है, ये क्या कर रहा है, लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, ये धागा बना रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स।